वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय आर मोहित दुबे, सभी का स्वागत है। संकल्प है क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी एडवांस ईयर 2009। क्वेश्चन इज दैट अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इज कूलम्ब स्पेस इन द एक्स वाई प्लेन विद द सेंटर a-k/0, 0। अ रॉड ऑफ लेंथ अ कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज a कूलम्ब स्पेस ऑन द एक्सिस फ्रॉम a/4 टू 5 a/4 2.4 - 7 कूलम 3 कूलम r + z / a/4 - a/4 = 0 and - 3 a/4 3 a/4 = 0 respectively consider a cubical surface formed by 6 surfaces x = + - a/2 by = + - a/2 z = + - a/2 the electric flux through this cubical surface is i/d advance 2009 okay bhai same thing hai ek iske liye isko bhi khush kiya jaye ek share kiya jaye kya share ho sakta hai dekho तुम मेरे दिल में ऐसी समाई हो जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुस आई। इसको थोड़ा देखना, मेरा मतलब क्या है कि यार जो इसमें जो एक्स वाई प्लेन लिया गया है, इसमें डिस्क डाली गई है, इसमें रॉड डाली गई है, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पे क्या है, हंगामा है। तो होगा क्या यार, चार्ज एक सरफेस है तो यहां कॉन्सेप्ट जनरेट होता है बेटा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में हमारा कौन सा लगता है बेटा, गॉस थ्योरम। देखते हैं उसे क्या कहा है। अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, डेफिनेटली रेडियस a/4 मान लिया। उन्होंने कहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म होता तो सेंटर अप होता है। इन द एक्स वाई प्लेन विद इट सेंटर एट -a/2, 0, 0। इसका मतलब डेफिनेटली इसकी लेंथ क्या है, a है, और अगर मैं इसको मान लूं 0, 0, 0 तो डेफिनेटली हमारा कितना हो जाएगा, -a/2, 0, 0 हो गया। आ रॉड ऑफ लेंथ a, देखो ये रॉड है जिसकी लेंथ एक्चुअल में हमारी कितनी है, a। ओके कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। भैया यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होता क्वेश्चन और भी टफ हो जाता। 8 कूलम हमने ले लिया। इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम a/4 टू 5 a/4। इसका मतलब ये वाला जो है ना वो हमारा हो गया a/4 और ये हमारा हो गया 5 a/4। ये किसके रेस्पेक्ट में, प्लेन के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट। इस चीज को याद रखना। ओके 2.4 - -7 कूलम 3 कूलम आर प्लेस एट, देखो a/4 पे मान लो यहां पे रखा हुआ है माइनस का 7 कूलम। ओके और जो माइनस का 3 a/4 तो लेकिन लगभग यहां पे जाएगा, तो इसमें हमारा रखा हुआ है 3 कूलम, जिसका कोई मतलब नहीं है, बाहर हो गया। अरे अब आपको समझना, रेस्पेक्टिवली कंसीडर अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्मड बाय 6 सरफेसेस x = +-a/2 y = +-a/2 z = +-a/2 तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस इज, मतलब ये कह रहा है, मतलब क्यूबिकल सरफेस जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब अपन को क्या क्यूबिकल सरफेस में दिखाना है, इमेजिनेशन। मैं तो बाद में दिखा दूंगा, अभी इसका सॉल्यूशन देख लो फटाफट, देखो होता कैसे है। यार उसने क्या कहा है कि ये जो डिस्क है यूनिफॉर्म है, इसमें डेफिनेटली ये कितनी भरी हुई है, आधी भरी हुई है। इसका मतलब या इसका जो टोटल चार्ज हमारा हो गया 3 कूलम भाई, गॉस का जो हमारा गॉस थ्योरम है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, वही तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है भाई। पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। ओके बिना सोचे समझे a/4 पे -7 कूलम लिखा हुआ है, ये देखो -7 कूलम। ओके यार जरा ध्यान दो, ये अगर a है तो डेफिनेटली ये वाला हमारा कितना हो जाएगा a/2, और डेफिनेटली ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा a/2। यार ये a/4 यहां है और ये टोटल a/2 है, तो क्या करो a/2 में से माइनस कर लो a/4, तो इसका मतलब 4a, अपन सीधा ऐसे ले लो ना 4, तो ये हो गया 2a - a इक्वल्स टू हो जाएगा a/4। इसका मतलब ये टोटल हमारी a/2 है। ओके ये हमारा हो गया a/4, a/2 में a/4 कटा, तो देखो ये वाला हमारा बचा केवल और केवल a/4। इसका मतलब यार a/4 पार्ट अगर मेरा इनसाइड है तो डेफिनेटली जरा ध्यान दो, ये जो पूरी रॉड है उसकी लेंथ है हमारी a, कितनी है a। अगर मैं इसकी पार्टीशन बेसिस अगर मैं बात करूं तो अगर टोटल चार्ज 8 कूलम है तो 4 पार्ट पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 कूलम। ओके ध्यान दो, तो ये हमारा बचा बेटा प्लस का 2 कूलम। ओके अब ध्यान दो, मैंने केवल वही कॉन्सेप्ट दिया था ना दिल वाला, तो बात को समझना, एक्चुअल में ही इसका दिल हो गया।
देखो यहां से हमने गोला मार दिया, यहां से रॉड मार दिया, सब कहते नहीं सब सरवाइव कर रहे हैं, तो क्या होगा जितना अंदर पहुंच गया उतना टोटल चार्ज अपन निकालेंगे। तो हमारा देखो टोटल चार्ज कितना होगा, ये 3 + 5 ये 7, डेफिनेटली हमारा हो गया -2 कूलम। भैया फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला ही होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा -2 कूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन। जरा क्यूब का फील लेना, वो क्या पता है क्या कहना चाह रहा था क्यूब में, मतलब कि कुछ ऐसा क्यूब बनाएंगे समझ रहे हो, फिर अपन इसका सेंटर हमें पता है यहाँ मिल गया, इसमें डिस्क फंसाएंगे आधी अंदर आधी बाहर, फिर रॉड फंसाएंगे, तो ये चीज यहाँ से ये इसलिए हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।